बड़ी खबर कानपुर से आपको हम बताते हैं। सभी क्षेत्र की अहम जानकारी कानपुर से आपको बता दें, जहां पर आपको बता दें कि 2 महीने पहले लापता बच्चे की पड़ोसी ने कर दी हत्या। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है। 2 महीने से बच्चा लापता था। 8 साल के बच्चे की हत्या कर शव को भूसे के ढेर में गाड़ने का दावा यहां पर किया गया है। और ये बड़ी खबर है, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची है बिल्हौर पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूसे के ढेर से बच्चे का शव निकालने के लिए फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फॉरेंसिक की टीम पहुंच चुकी है। 8 साल के बच्चे की हत्या कर शव को भूसे के ढेर में गाड़ने का दावा किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह खबर, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची है बिल्हौर पुलिस। तो ग्रामीणों की सूचना पर बिल्हौर पुलिस मौके पर पहुंची है और भूसे के ढेर से बच्चे का शव निकालने पहुंची है फॉरेंसिक टीम। तो फॉरेंसिक की टीम अब यहां पर बताया जा रहा है कि पहुंची है। तो ये आम खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर आपको बता दें कि पड़ोसी ने ही हत्या की थी। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, भूसे के ढेर में बच्चे के शव को पड़ोसी ने गाड़ दिया। अभय प्रताप हमारे साथ, हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। अभय, बड़ी बेरहमी के साथ यहाँ पर पड़ोसी ने ही इस मासूम बच्चे की हत्या कर भूसे के ढेर में उसके शव को गाड़ा, वजह क्या थी आखिर और कैसे ये बात स्पष्ट हुई? बिल्कुल, इस मामले की अभी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम आखिर क्या है और किस वजह से 8 साल के बच्चे को बेरहमी से मारकर भूसा के ढेर में गाड़ा गया है। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुलाया गया मौके पर कि भूसे के ढेर को खोलकर अभी देखा जाएगा कि बच्चा, जो 8 साल का बच्चा है मृतक, वो कहाँ पे गड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, अब जब बिल्कुल अभय, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर, जो भी अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कानपुर में 2 महीने पहले लापता बच्चे की पड़ोसी ने ही हत्या कर दी थी और बिल्हौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर से बड़ी खबर। और यूपी की बात में मेरे साथ बस इतना ही।